तो सबसे पहले हम कल का जो है लेसन वो हम रिवाइज करेंगे। आपने देखा होगा कि हमने बताया था कि आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो इन तीन शक्तियों को हमने दो डिटेल में सुना, जिसको हम कहते हैं माइंड, मन। तो मन का काम क्या है? आप देखोगे, मन तो सिर्फ सोच विचार का ही कार्य वो करता है। मन में और कुछ भी नहीं होता है, वो विचार चलते ही रहते हैं, हम उसको स्टॉप भी नहीं कर सकते और उसका दमन भी नहीं कर सकते। लेकिन उसमें कई प्रकार के विचार आते हैं, जैसे हमने बताया था, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेसेसरी और वेस्ट। और ये सारे विचार है, ये जो मन है वो बुद्धि को भेजता है। तो बुद्धि, कल हमने डिटेल में सुना कि बुद्धि हम किसको कहते हैं। आज हम अगर किसी से पूछे कि लोग बुद्धिमान हैं या बुद्धू हैं, तो लोग तो कहेंगे नहीं, हम बुद्धि वाले हैं। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ने लिखने से बुद्धिमान नहीं बनते हैं, लेकिन हम बुद्धिमान उसको कहते हैं जो पहले सोचे, समझे और फिर बोले। लेकिन हमारी गाड़ी कहाँ से शुरू होती है? पहले हम बोल लेते हैं, और अगर कोई समझाता भी है तो हम कहेंगे कि आप है ना, प्लीज बीच में नहीं पढ़ो। मीन्स हम तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर हम सोच समझ कर बोलते नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में देखोगे हमेशा रॉन्ग डिसीशंस होते हैं। इसलिए मन का काम है सिर्फ थिंकिंग, और वो बुद्धि जो है ना वो विजुलाइज करती है। उसके पास जितने भी हम विचार देते हैं, चाहे नेगेटिव, चाहे वेस्ट हो, या कोई भी विचार जो हम बेचते हैं उनको, तो वो उनका विजुलाइज करती है, उनमें एनालाइज करती है। और फिर मैंने कहा था मन तो एक वकील है, लेकिन बुद्धि उसकी क्या है? जज है। मन एक गोरा है तो बुद्धि उसका लगाम है। तो हम जिस प्रकार गोरे को अगर लगाम नहीं देंगे तो वो हमें गिरा देता है, और हम सिर्फ वकील के दलील सुनते रहेंगे, और जजमेंट अगर हम सही नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो भी इसलिए क्या हो जाता है, कई बार हम बुद्धि की नहीं सुनते हैं क्योंकि हमारा मन में इतना सारा शोर होता है, पूरा दिन शोर ही होता है, तो बुद्धि का आवाज वो देती है लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, रॉन्ग डिसीशन लेते हैं। और जब भी आप देखोगे हमारे जीवन में, जब जब हमने रॉन्ग डिसीशन लिया है तो हमारा मन में क्या है, वीकनेस आ जाती है, हम वीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो मन कहता है वो मनमानी करेंगे तो वो सही नहीं है। लेकिन बुद्धि जो है जज, जज हमेशा दोनों तराजू देखकर अपनी जजमेंट देता है, ऐसे नहीं देता है। तो जो बुद्धि है वो मुझे सही और पूरा निर्णय देकर डिसीशन देती है, लेकिन कई बार मन कहता है नहीं, हम आज ये करना चाहते हैं, मिस करते हैं, और रॉन्ग डिसीशन से हमारी बुद्धि वीक होती जाती है। और आप देखोगे कितनी बार अगर हमने डिसीशन रॉन्ग लिए, जिंदगी में कहीं इतनी सारी होती है हमारे साथ, हम अगर रॉन्ग डिसीशन लेते हैं तो फिर जो हमारा विल पावर होता है ना वो हमेशा जीरो हो जाता है। क्यों? फिर दोबारा अगर मुझे कोई कहेगा कि आप डिसीशन लो, आप मुझे बताओ, तो हम कहेंगे नहीं जी, हम डिसीशन हमेशा रॉन्ग लेते हैं और हमेशा हम अनसक्सेसफुल रहते हैं, मेरे जीवन में तो कभी सक्सेस आई ही नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि हम अपनी बुद्धि की नहीं सुन रहे हैं। अगर हम बुद्धि की सुनते तो जरूर मेरा राइट जजमेंट आता और मेरे जीवन में तो सिर्फ सक्सेस, सक्सेस और सक्सेस ही रहती है। क्योंकि राइट डिसीशन से ही हमारे जीवन में हैप्पीनेस आती है। और जब आप देखोगे, जब कभी हमने कोई ऐसा डिसीशन अच्छा लिया होगा,
तो हमारे मन में इतनी खुशी दोबारा हो जाती है, इतनी डबल हो जाती है कि मुझे दिल करता है कि मैं और भी कार्य करूं। उमंग उत्साह आता रहता है, उमंग उत्साह हमारे राइट डिसीशन पर ही डिपेंड करता है और फिर हम पावरफुल हो जाते हैं। जब हम पावरफुल होते हैं उसके बाद ही हम क्या करते हैं उसको कहते हैं। अब ये तो जीवन है, ये तो चैलेंज से बड़ा हुआ जीवन है। पूरा दिन आप देखोगे कि जीवन में आजकल तो लॉकडाउन में सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है ही है। और ये चैलेंज हमारे पास क्यों आते हैं? कहते हैं अगर आपके रास्ते में चुनौतियां आ रही है तो समझ जाओ आप दुनिया बदलने वाला कार्य कर रहे हैं। ये कितनी अच्छी सोच है। आप देखो बच्चा अगर हमेशा फर्स्ट स्टैंडर्ड में बैठा रहे तो अच्छा लगेगा क्या? उसको भी फर्स्ट स्टैंडर्ड से परीक्षाएं पास करके आगे बढ़ना होता है। तो हमें भी हमेशा कोई भी चैलेंजेस हमारे जीवन में आए तो उसको हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये चैलेंज हमारे पास क्यों आया है? क्योंकि हमारी बुद्धि उसमें क्या करेगी, विकसित होगी। और जितने जितने हम चैलेंजेस को सामना करते जाएंगे तो हमारी जो पावर है वो भी बढ़ती जाएगी और खुशी हमेशा बढ़ती रहेगी। इसलिए हमें चैलेंज के टाइम कभी भी घबराना नहीं है। चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और शांति से उस पर हम सोच विचार करें। मैंने कहा बुद्धि का काम ही है पहले सोचना, फिर समझना और फिर समझ के भी ज्यादा विचार करके उसका डिसीशन लेना। तो आप देखोगे आपके जीवन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन वो चैलेंज हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हमारे जीवन में हम और कोई बहुत सारे रास्ते खोल देती है। इतने सारे रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं और हमारी बुद्धि जो है ना दूरादेश हो जाती है, मींस फार साइटेड हो जाती है। अगर जीवन में आगे भी क्या होने वाला है वो भी बुद्धि हमें इन एडवांस बता देती है। हमारी बुद्धि इतनी विकसित होती है तो चैलेंजों से हमें घबराना नहीं है, हर अपॉर्चुनिटी को हमें गले लगाना है। तो आप देखोगे आपके जीवन में भी सक्सेस और खुशी आ जाएगी। अब आप देखोगे आज के समय में हर तरफ हम देख रहे हैं टेंशन है, डिप्रेशन है, वरीज है, फियर है कि कल क्या होगा। और उसकी रिजल्ट भी हम देख रहे हैं कि घरों में इतना तनाव है कि आपसी जो सद्भावना होनी चाहिए एक दूसरे से हम अच्छी तरह बात भी नहीं कर पा रहे हैं। सारा जीवन में टेंशन क्योंकि हमारे जीवन में निगेटिविटी आ गई है और निगेटिविटी से ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया है। तो मुझे निगेटिव से पॉजिटिव बनना है। इसलिए कहते हैं ये राजयोग जो कोर्स है उससे ही मुझमें पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि क्या हो जाता है पॉजिटिविटी के लिए हमें कोई इनपुट चाहिए। अगर मेरे पास इनपुट नहीं है तो मैं मेडिटेशन में बैठ ही नहीं सकती है। आपको कल मैंने भी बताया था कि लोगों को हमने कहा था कि बुद्धि से कैसे कार्य, एक कहानी मैंने सुनाई थी कि वो कार्य कर रहा था लकड़ी का काटने का, लेकिन उसने कहा मुझे लकड़ी को तेज जो धार करनी है कुल्हारी की उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो हमारे जीवन में भी हमें कभी भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन वो ही टाइम में मुझे थोड़ा निकाल कर अपनी मेडिटेशन करेंगे क्योंकि मेडिटेशन से ही मेरे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि मेरे को नया नया इनपुट मिलता रहेगा अच्छी बातों के लिए, विचार के लिए मुझे कुछ तो चाहिए। सिर्फ मेडिटेशन में भी अगर हम बैठ जाएं और कुछ सोच ना पाए तो फिर हमारे मेडिटेशन से भी हम बोर हो जाएंगे। इसलिए गीता में भी कहा गया है कि कार्य में है ना कुशलता, कर्म योग ये मेडिटेशन से ही आता है। तो हम क्यों ना आज से ही अपनी बुद्धि को शार्प करने के लिए रोज, मैं तो कहती हूँ कम से कम
दो तीन बार तो जब भी टाइम मिले हम बैठ जाए, मेडिटेशन जो हम आपको सिखाते हैं उसमें ही सिर्फ अपने आप से सिर्फ बातें ही करनी होती है, जो मैं आज भी आपको सिखाऊंगी। अब हमारी तीसरी शक्ति है, आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और तीसरा है संस्कार। तो हम संस्कार तो हमारी संस्कृति है और हमारी विरासत है। जिस घर में संस्कार होते हैं उस घर में सदैव खुशहाली ही खुशहाली होती है। लेकिन आज हम उसको जानेंगे कि ये संस्कार है क्या, क्योंकि जब तक हम डिटेल में नहीं समझेंगे, सबने हमें बताया कि आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार है, लेकिन किसी ने भी हमें डिटेल में नहीं समझाया। तो जब हम डिटेल में समझेंगे तो ही हम कोई कार्य कर पाएंगे। आज हम देखेंगे कि संस्कार क्या है। संस्कार को हम आदत भी कह सकते हैं, हैबिट भी कह सकते हैं। अब हमारे जीवन में कितनी सारी हैबिट ऐसी बनी हुई है जो मुझे खुद भी मालूम नहीं है, मेरे में कौन सी हैबिट है जिसकी वजह से मुझे परेशानियां हो रही है। ये हैबिट कैसे बनती है? आप सपोज मैं चाय नहीं पीती हूँ और आपके घर में मैं आ रही हूँ मेहमान बनकर, और आपने मुझे चाय की ऑफर की और मैंने चाय पीना शुरू किया। मीन्स मन ने कहा कोई बात नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा पहले मन में विचार आता है मैं पीऊं या ना पीऊं। हमेशा हमारे जीवन में ड्युअलिटी होती है, दुविधा होती है, ये कार्य करूं या ना करूं, हमेशा आप देखोगे परेशान ही रहते हैं। तो अब मन ने कहा चाय पीने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पी सकते हो। अब मैंने एक बार चाय पी तो वो चाय पीने में कोई नुकसान नहीं है, अब मेरे को थोड़ी अच्छी लगी। बुद्धि ने कहा कोई बात नहीं, अब वो आदत उसको मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि आदत क्या होती है, एक रस्सी की तरह होती है। आप रस्सी को अगर उसी टाइम तोड़ना चाहो तो आप तोड़ सकते हो, पर उस रस्सी पे दूसरी रस्सी, दूसरी रस्सी मीन्स मैंने सिर्फ कोई भी, चाहे कोई सिगरेट पीता है, कोई चाय की आदत है, कोई अलग नेगेटिविटी की आदत है, किसी को बहुत सारी अलग अलग आदतें होती है, और फर्स्ट टाइम एक बार कर्म करने से वो मेरी हैबिट नहीं बनती है, मेरी आदत नहीं बनती है। अब दोबारा फिर मेरे को दिल करा और मैंने फिर चाय पी, और ऐसे बार बार चाय पीते पीते आप देखोगे अब मेरी ऐसी पक्की आदत हो गई है। और आज अगर मुझे चाय ना मिले तो क्या होगा? तो हमारी जितनी भी हैबिट्स हैं, आप देखो पहले तो धागा था, मैं तोड़ सकती थी, पर अभी नहीं तोड़ी, अब रस्सी हो गई। अब रस्सी को तोड़ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी आदतें हैं, चाहे निगेटिविटी कहो, जिससे हम परेशान हैं। अब हम चाहते हैं क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? तो ये जो हमारी आदतें हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। अब यहाँ हमने दिखाया है जो हमारी आदतें हैं, हैबिट है, धीरे धीरे बनते बनते वो हमारे संस्कार में इमर्ज हो जाती है, उसमें मर्ज हो जाती है। तो कहते हैं जिस गांव में बारिश न हो वहां की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में धर्म और संस्कार न हो वहां की नस्लें ही खराब हो जाती है। तो आपने देखा अगर हमारे पास अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो हमारी तो पीढ़ियां ही पीढ़ियां खत्म होती जाती है। इसमें मुझे एक स्टोरी याद आती है जो मेरे थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगी कि ये संस्कार हमारे जीवन में जरूरी क्यों है। कहीं लोग कहेंगे ठीक है ना, हम जैसे चल रहे हैं वैसे हमें चलने दीजिए। एक दो दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, रोहित और मोहित। अब इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती थी, वो साथ उठते, साथ खाते पीते, कहीं भी जाते तो साथ ही में जाते थे। जैसे कहा जाए ना कि श्री कृष्ण और सुदामे की इनकी दोस्ती थी। अब उसमें जो रोहित था वो बड़ा इंटेलिजेंट था,
लेकिन मोहित था, वो थोड़ा डल था पढ़ाई के हिसाब से। अब दोनों पढ़ाई तो कर रहे थे और रोहित अपना पूरा ध्यान उस पे लगाता था पढ़ाई पर, लेकिन मोहित उस पे ध्यान नहीं देता था। तो ये उसका दोस्त था, इसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उसने उसको कहा, मोहित ये देखो, पढ़ाई है ना जीवन की बहुत अच्छी होती है, इससे ही हमारा जीवन बनता है, आप प्लीज उस पे थोड़ा ध्यान दो। और फिर भी उसने नहीं सुना, मस्ती खेल कूद में बस अपना समय बिता दिया और बीच में पढ़ाई छोड़ दी। अब इस रोहित ने तो अपनी लगन से पढ़ाई की और उसको स्कॉलरशिप मिली, और वो स्कॉलरशिप लेकर फॉरेन में चला गया, वहां उसने अपना संसार बसा दिया। उसको अच्छी नौकरी मिली, अच्छे घर थे, सब कुछ, हर फैसिलिटी उसको मिली। मीन्स वो इतना खुश था वो दुनिया में। उसके बेटे भी हुए, उसने बेटे को भी सब कुछ दिया, किसी को कोई भी प्रकार की कमी नहीं थी। जो आजकल हम समझते हैं कि ये चीजें ही हमारे जीवन में खुशी ला सकती है। अब दूसरी ओर था मोहित, जिसने पढ़ाई तो नहीं की थी। अब पढ़ाई नहीं की थी तो वो क्या करता, वो छोटी मोटी नौकरी करके, छोटे मोटे धंधे करके अपना घर गृहस्थी चलाता था। वो भी खुश था, ऐसा कोई बात नहीं था कि उसके जीवन में कोई परेशानी थी, क्योंकि वो तो पढ़ा नहीं था तो उसको यही काम करना था। वो भी, उसका भी बेटा एक था, उसने भी अपनी हैसियत से जितना हो सका उसकी भी पढ़ाई करके उसको लायक बनाया। अब वहां जो रोहित था, वो जब रिटायर हुआ, उसने सोचा कि चलो हम अपने गांव चले, क्योंकि हर एक को परदेश में भले कितना भी आप कमाएं, भले कितनी भी ऊंची हस्ती हो, फिर भी कहते हैं ना, होम सिकनेस सबको होती है, सबको लगता है कि हम अपने घर चले। अब रिटायरमेंट के बाद रोहित अपने परिवार के साथ वहीं अपने शहर में आ गया। अब रिटायर हो गया, वहां भी उसने अपना बंगलो, गाड़ी, सब कुछ जैसा वहां था वो यहाँ भी उसने वैसा ही स्टेटस रखा था। फिर भी उसकी मोहित के साथ दोस्ती में कभी भी कमी नहीं आई। वो उन दोस्तों के साथ उठता बैठता खाता पीता, वो भी मोहित के पास रोज जाता मिलता। एक बार रोहित मोहित के घर गया और वो आपस में खेल कूद करके जैसे रोज की इधर उधर की बातें करते हुए अपना टाइम समय बिता रहे थे। इतने में क्या हुआ कि मोहित का बेटा वो बाहर से पढ़ाई करके आ रहा था, और जैसे ही उसने देखा कि मेरे पापा के दोस्त बैठे हुए हैं, अब उसको लगा पापा तो हमेशा इनकी बातें मेरे से करते रहते हैं, इनका अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। वो भी जैसे अंदर आया तो उनके साथ बैठ गया, उनके पांव छुए और उनके सामने बैठ गया। तो रोहित ने उससे चर्चा शुरू की, उसे पूछताछ की, बेटा क्या कर रहे हो, आजकल कहाँ जाते हो, कैसे चल रहा है जीवन। उसने सारी अपनी बातें बताई, प्रेम से बैठकर उसे, फिर उनको चला गया। अब इसको रोहित को इतना अच्छा लगा, क्योंकि अपने बच्चे तो जब पढ़े लिखे बड़े हो जाते हैं तो अपने पास, उनके पास तो टाइम नहीं होता है माँ बाप के साथ थोड़ा भी बैठे, क्योंकि हमने अभी उनको ऐसे लायक बना दिया है। अब ये खुश होकर जा रहा था, मोहित को कहा, कल आप हमारे घर पर आना, मैं अपने घर परिवार से आपको मिलाऊंगा। मोहित ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मोहित दूसरे दिन रोहित के घर आए, उसका इतना आलीशान बंगलो बहुत सारा सजाया हुआ था, वो वहां बैठे और बातें कर रहे थे। बातें करते करते बीच में उसने अपने बेटे को बुलाया, उसका बेटा जल्दी बाहर आया और कार की चाबी इधर उधर ढूंढने लगा। अब रोहित ने कहा, वो अपने बच्चे को जरा इधर आओ, मेरा दोस्त आया हुआ है, थोड़ा उससे मिलो। उसने तो फटाफट चाबी ली और निकल गया, जैसे उसको देखा ही नहीं, अनदेखा करके वो बाहर निकल गया। अब रोहित को थोड़ा दुख हुआ, उसको अच्छा नहीं लगा कि हमारे बच्चे ऐसे क्यों करते हैं।
तभी मोहित ने उसको कहा, रोहित को, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहो, आजकल के बच्चे बहुत बिजी होते हैं, उनको इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं होता है, आप परेशान मत हो, मुझे कोई बुरा नहीं लगा है। और मोहित चला गया अपने घर। लेकिन इस रोहित को पूरी रात नींद नहीं आई, क्या हो गया है, कितना डिफरेंस है उनके बच्चों में और हमारे बच्चों में, और हमने तो अपने बच्चों को कोई कमी भी नहीं दी है। पूरी रात सो न सका और दूसरे दिन फिर अपने दोस्त के पास चला गया, मोहित के पास। मोहित भी उसको वेलकम अच्छी किया और उसको बैठा, बातें कर रहे थे। लेकिन बातों बातों में मोहित को ऐसा लगा कि मेरा दोस्त आज थोड़ा परेशान है। उसने कहा, क्या बात है, अब क्यों परेशान हो? कहा, कोई बात नहीं है ज्यादा, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, कल मेरे बेटे ने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? मैंने उसको इतना अच्छा बंगलो दिया है, अच्छी गाड़ी दी है, महंगी महंगी वॉचे लेके दी है, ब्रांडेड कपड़े दिए हैं, इतने अच्छे अच्छे शू दिलाए हैं, मैंने उसके कोई भी सपनों को न पूरा किया हो ऐसा है नहीं, मैंने सब कुछ उसको दिया है, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया, आपके बच्चे ने तो अच्छी तरह किया। तो कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है? उसने कहा, नहीं, आप मुझे समझाओ, आपने अपने बेटे के लिए क्या किया है जो मेरे बेटे में कमी है? उसने कहा, ठीक है। अब उसके घर में एक फ्लास्क था जिसमें फ्लावर पड़े थे, उसने फ्लावर निकाल के वो गमला उसके सामने लाकर रख दिया और रोहित को कहा, चलो एक गेम करते हैं और उस गेम से ही हम समझ जाएंगे कि क्या कमी है। कहा, ठीक है। अब उसने अपने गार्डन से बड़े बड़े है ना पत्थर और पेबल्स लेके आके रोहित को दिया कि आप इस गमले में डाल दो। रोहित सारे गमले में वो पत्थर डाल दिए बड़े बड़े। अब उसको और भी पत्थर दिए तो कहा, नहीं अभी इसमें समय नहीं है, इसमें जगह ही नहीं है, मैं नहीं डाल सकता हूं। अरे कहा, जगह है। अच्छा, फिर वो गया वो छोटे छोटे पत्थर गार्डन से लाके, फिर उसको कहा कि अब इसमें डालो। हाँ कहा, ये तो जरूर समा जाएंगे। अब वो छोटे छोटे पत्थर जब उसने डाले तो वो तो बड़े बड़े जो पत्थर थे बीच बीच में जगह थी उसने तो समा गए। अब कहा और, बोला नहीं अब और मत दीजिए, अभी इसमें कोई जगह नहीं है। कहा, नहीं है अभी। अब वो गार्डन से फिर मट्टी लाके दिया। अब कहा, अब इसमें डालो। अब उसने जैसे मट्टी डाली तो मट्टी ने क्या किया, बड़े और छोटे पत्थरों के बीच बीच में क्या है, अपनी जगह बना ली। अब मोहित ने रोहित से कहा, कुछ समझ में आया? कहा, नहीं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने कहा, बस यही बात है, ये वास जो है, गमला जो है, ये हमारी जीवन है। हम जीवन में जब पहले रेत से भर देंगे पूरा जीवन, तो फिर हम न छोटे पत्थर डाल पाएंगे न बड़े पत्थर डाल पाएंगे। पर अगर जीवन में हमने पहले बड़े पत्थर मीन्स ये हमारे जीवन में है अपनी हमारी खुद की सेहत और फैमिली। आप देखो, सेहत में भी चार बातें होती है। एक फिजिकल हेल्थ तो सबको मालूम है, सब उसके लिए अपना प्रयास करते हैं, हेल्थ को हम अच्छा रखते हैं, उसको अच्छा खिलाते पिलाते हैं, सुलाते हैं, घुमाते हैं, बहुत सारा हम सेहत के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, उसके लिए हमें कुछ भी सुनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा है मेंटल। मेंटल हमारा, हमारी बुद्धि से उसका कनेक्शन है। अगर हम बुद्धि से उसका कार्य करेंगे तो हमारी मेंटल भी पॉजिटिव बनेगी, स्वच्छ बनेगी, क्लियर बनेगी, मुझे आगे क्या करना है वो मुझे अच्छी तरह दिखाई देगा। तीसरा है सोशल, उसमें भी हम तो बहुत होशियार है। सोशल लाइफ तो सबको मालूम है, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, उसका भी हम बड़ा ध्यान रखते हैं। पर चौथा है स्पिरिचुअल। अभी एक टेबल की चार टांगे होती है, तीन टांगे तो बड़ोबर है हमारी, लेकिन चौथी जो हमारी स्पिरिचुअल है,
अगर हम स्पिरिचुअल के लिए कुछ नहीं करते हैं तो क्या तीन टांग वाली कुर्सी पर हम बैठ सकते हैं आराम से या डर से बैठेंगे? तो हमारे जीवन में ये स्पिरिचुअलिटी भी उतनी ही जरूरी है जितनी की वो तीनों। दूसरे हमारे छोटे छोटे पत्थर हैं, हमारे रिश्ते नाते, हमारे दोस्त, उनको भी बाद में जगह देनी है, पहले अपनी फैमिली को और हेल्थ को। फिर है रेत, रेत है आजकल की सोशल मीडिया। आप देखोगे आज तो हमारे बच्चे सुबह नींद से, मैं तो कहूंगी एवरी ह्यूमन बींग, खाली बच्चे नहीं, हम अपने को भी इंक्लूड करते हैं, नींद से उठते ही सबके हाथ में मोबाइल होता है या तो टीवी होती है। अब दोनों में क्या आपको पॉजिटिविटी मिलती है? पॉजिटिविटी तो हमें मिलती नहीं है, चारों तरफ निगेटिव न्यूज ही है। चाहे मोबाइल देखो, चाहे टीवी देखो, चाहे अखबार देखो, आपको कोई भी कॉलम पॉजिटिविटी का मिले तो मुझे बताना कौन सी अखबार में पॉजिटिविटी बता रही। एक बार एक बुजुर्ग था, उसका पोता उनके पास आया और उनको पूछा, दादाजी आप पहले जमाने में कैसे रहा करते थे? कहा, क्यों बेटा क्या हुआ? अरे कहा, पहले जमाने में तो न मोबाइल था, न टीवी थी, न कुछ था, आप लोग कैसे बोर नहीं होते थे? कहा, नहीं, हम भी वैसे ही खुशी से रहते थे, हमारा रहन सहन, आपस की बातें चीत, हम आपस में इतनी रू रियान करते थे, चाहे हमारा अपना परिवार हो, चाहे हमारे गांव का कोई हो, वो भी हमारा एक परिवार हुआ करता था। हम आंगनों में साथ में बैठकर खेलते थे, कूदते थे, सब कुछ खुशी खुशी से करते थे। हमारा व्यवहार था, संस्कृति थी, संस्कार थे हमारे, हम बड़ों को भी आदर भाव देते थे। इतना सारा करते फिर हमारे पास टाइम कहाँ था? हम वो जमाने में भी उतने ही खुश थे, हमें उल्टा ज्यादा समय मिलता था। लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से आप देखोगे कि लोगों के तो संस्कार गुम हो गए हैं और कुछ भी दिखता नहीं है। कहते हैं यदि हम अपनी संतान को अच्छे संस्कार देने के इच्छुक हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम वे संस्कार हमें स्वयं अपने अंदर ही अंकुरित और प्रफुल्लित करने होंगे, ताकि हम वे उन्हें देने में सक्षम हो सके। यदि हम सोचते हैं कि अनेक किसी को धन दौलत देकर उनसे हम अपनी संतान को संस्कार दिलवा पाएंगे, तो ऐसा सोचना मात्र एक प्रवचना अथवा अति शोकित के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बच्चों को संस्कार तो अपने घर से ही मिलते हैं, अतः पहले तो हमें अपने घर को ही सुधारना होगा। जैसे हमने कहानी सुनी दोनों दोस्तों की, वो गरीब था, उसने कहा मैंने अपने बच्चों को पहले संस्कार दिए, उनको दुनिया का हाव भाव मोबाइल ये वो सब नहीं दिया, सारे संस्कार सिखाए, संस्कृति सिखाई, रहन सहन सब कुछ सिखाया, और उसके बाद ही हमने दूसरी दुनिया का उनको दिया। लेकिन आपने तो बचपन से ही अपने बच्चे को मोबाइल, घारियां, अच्छी अच्छी वॉचे, ब्रांडेड कपड़े ये सब दिए और संस्कार तो दिए ही नहीं। अब ये बच्चे इतने बिजी हैं उन बातों में जो आपने उनको दिया है, वो उन बातों में ही इतने बिजी हैं, अब उनको अपने संस्कार के लिए टाइम नहीं है, या लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए आप उसको बोलोगे तो वो तैयार नहीं होते हैं। ये बचपन में ही दिए जाते हैं, बाद में नहीं दिए जाते हैं। तो ये है हमारा तीसरा है संस्कार, जिसको हम कहते हैं आदत। आदत से हमारे संस्कार बने, अब वो हो गए हैं पक्के।
अब इन संस्कारों को आपका सवाल है कि अगर हम उसको तोड़ना चाहें तो क्या हम तोड़ सकते हैं? हाँ, जरूर तोड़ सकते हैं हम, लेकिन हमें शुरुआत उसकी कहाँ से करनी पड़ेगी? जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे संस्कार बने कैसे। आप देखो, मैंने कहा था मन में पहले विचार आता है और कई प्रकार के विचार आते रहते हैं। उन विचारों में फिर बुद्धि डिसीशन लेकर हमें, मैंने कहा बुद्धि में दो शक्तियां हैं, एक है विवेक बुद्धि और दूसरी है फ्रीडम। तो वो विवेक बुद्धि से एनालाइज करके मुझे कार्य दे रही है, लेकिन अगर मैं उसमें भी कंफ्यूज हो रही हूं तो दुविधा में जब हम आते हैं, मैं ये करूं या वो करूं, जब ये दुविधा आती है, सपोज मैं आपको कहूं कि आप अपना हाथ उठाइए, मैंने आपको ऐसा नहीं किया कि आप राइट उठाइए या लेफ्ट उठाइए। अब हमने सोचा कि मैं चलो लेफ्ट ही उठाती हूं, या हम आपको कहें कि अपना एक पाव उठाओ, आपने लेफ्ट पाव उठा लिया। अब मैं कहूंगी ठीक है राइट उठाओ, तो क्या आप उठा पाएंगे? क्योंकि हमारे को जो भी मिला, डिसीशन तो मेरे हाथ में ही था, मैं पहले राइट उठाऊं या लेफ्ट उठाऊं। तो कर्म भी जब हमारे सामने आते हैं तो दुविधा जब आए कि मैं ये करूं या वो करूं, तो बुद्धि मुझे अच्छी तरह उसके लिए समझाती है कि ये राइट है, आपको ये राइट कर्म करने हैं। और उस पे अगर मैंने जो दोनों में डिसाइड करके जो मैंने कर्म किया और उस पे अगर आप बिजी आपने कर्म किया, तो उसकी रिजल्ट तो आपको ही मिलेगी, क्योंकि आपने ही डिसाइड किया था। इसलिए मैंने कहा हमारे पास फ्रीडम जरूर है कि हम कौन सा काम करें, लेकिन रिजल्ट या सक्सेस भी उसके अकॉर्डिंगली ही मिलेगी। तो ये सर्कल होता है मेरे मन में विचार देखने से, सुनने से, पढ़ने से और फिर कुछ न कुछ उसको रिपीट करने से मेरे संस्कार बन गए हैं। तो उसमें भी संस्कारों को फिर उसको मन से ही काटा जाता है, मन के विचारों को मुझे बदलना होगा, क्योंकि मन में जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, या जो हर एक को, देखो हर एक को कॉन्शियस है, हर एक को मालूम है क्या राइट है, हर एक को मालूम है कि मुझे सच ही बोलना है, और फिर भी हम झूठ बोल लेते हैं। हमें मालूम है कि सबके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना है, ये कोई नई बातें नहीं है, हम कोई आपको नई बातें नहीं सिखा रहे हैं, ये तो संस्कृति है, हमारे संस्कार है, और फिर भी हम क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसा कार्य कर लेते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, रिजल्ट जो हमें मिलती है वो तो हमारी अपनी ही रिजल्ट है, हमें वो डिसीशन जो है वो सही लेना पड़ेगा। मन में विचार भले आए पर बुद्धि की मुझे सुननी पड़ेगी। थोड़ा कोई भी कार्य के लिए शांति से आप बैठ जाइए, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सब आज से मुझे पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, पॉजिटिव देखना पड़ेगा, पॉजिटिव सुनना पड़ेगा और पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, और पॉजिटिव लोगों के साथ मेरी फ्रेंडशिप होगी, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे जो ये हमारी आदतें हैं वो 100% हम चेंज कर सकते हैं, चाहे वो मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, हम उसको श्योर कर सकते हैं। तो ये हमने आत्मा की तीन शक्तियां बताई, मन का मैंने आपको पूरा बताया था डिटेल में, बुद्धि का बताया, आज हमने आदत का बताया है, जो आदत आगे चलकर हमारी संस्कार बनते हैं। लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि वो संस्कार भी एक प्रकार का नहीं होता है, संस्कार भी पांच प्रकार के हैं, मालूम है आपको? आप करना उस पर सोच और विचार, और हम आपको कल उस पे बताएंगे कि
कि हमारे कितने संस्कार हैं, पांचों संस्कारों में अलग अलग कैसे कैसे संस्कार हमारे जीवन में वो क्या क्या सफलता लाते हैं, उस भी हम डिटेल में समझेंगे उसके लिए। तो ये हम आपको होमवर्क देते हैं, थोड़ा आप जो प्रीवियस जो हमने कोर्स करवाया है उन पे थोड़ा मनन चिंतन करेंगे, और इसको ही मेडिटेशन कहा जाता है, जो अब हम फिर थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, अपने मन को शांत करेंगे। तो आइए हम फिर से अपने मन बुद्धि और संस्कार को शांत करें। जैसे मैंने आपको बताया है, मेडिटेशन कोई डिफिकल्ट नहीं है, मेडिटेशन एक चिंतन की क्रिया है। जिस प्रकार मैं आपसे बात कर रही हूं, इसी प्रकार अगर आप अपने आप से भी बात करेंगे, उसको भी हम मेडिटेशन ही कहते हैं, क्योंकि हम अपने विचारों को एनालाइज करते हैं। आइए हम फिर से करें मेडिटेशन। आप रिलैक्स हो जाइए पहले। जिनके भी हाथ में अगर मोबाइल है, बुक है या कुछ भी है, साइड में रख दे, और हम चलते हैं एक अनोखी यात्रा पर। आपने तो बहुत सारी यात्रा की होगी, लेकिन आज हम आपको अनोखी यात्रा पर ले चलते हैं। तो चलें हम। सबसे पहले अपने मन और बुद्धि को ले चलते हैं इस आसपास की एक आवाजों और हलचल से ले जाते हैं। अंतर मन की यात्रा करते हैं। चलिए सबसे पहले अपने मन का हाल देख रहे हैं, कि उसमें अनेक प्रकार के विचार हैं। जैसे मुझे मालूम है, हमारा मन एक मिनट में 20 विचार करता है। अब सोचिए 24 घंटे में इतने सारे विचार चलते हैं। जो हमारे मन में निगेटिव बातें हैं, सबसे पहले उनको निकालेंगे। उसने हमें ज्यादा परेशान किया है, दूसरे हैं वेस्ट विचार, पुरानी पुरानी बातें जो अब काम की भी नहीं है। उससे पॉजिटिविटी से बढ़ेंगे। देखोगे घर में भी जब हम गुलदस्ता बनाते हैं तो हम अच्छे अच्छे फूलों को चुनते हैं। प्रकार
मुझे भी। अच्छे विचार करने हैं, जैसे अच्छे फूलों की खुशबू चारों तरफ फैलती है। इसी प्रकार हमें भी इस सभ्यता संस्कृति और संस्कार की खुशबू चारों तरफ फैलानी है। इसका रास्ता सिर्फ यही है कि मन को शांत करें और बुद्धि की आवाज सुने। जिस प्रकार समुद्र की दरिया पर अगर कोई लहर नहीं है, अपना चेहरा साफ साफ दिख रहा है, हम भी अपने मन के कंकर बुद्धि पर मत डालिए। कभी बुद्धि मुझे बिल्कुल सही सही डिसीशन दे पाएगी, उससे ही मेरे जीवन में सुख शांति आना शुरू होगी और जीवन में सिर्फ शांति ही शांति और सक्सेस ही सक्सेस हमारे जीवन में, क्योंकि हम राइट डिसीशन ले रहे हैं। राइट डिसीशन से ही आप देखोगे कि हमारी बुद्धि बिल्कुल क्लियर और स्वच्छ दिखाई देगी। जैसे दरिया में कंकर नहीं है, हम स्पष्ट दिखते हैं, इसी प्रकार अपने मन और बुद्धि को शांत वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले। उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया, कोई पूछे कौन मिला,
मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले। तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले। भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले। शांति।